हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के द्वारा दी गई वर्कशीट्स। और क्लास हम ले रहे हैं आज 9th और सब्जेक्ट ले रहे हैं साइंस। वर्कशीट नंबर 2 करेंगे आज, जो कि 15 जुलाई 2020 को आपको दी गई थी। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वर्कशीट के जो दो पात्र हैं हमारे, उनके बारे में। तो सबसे पहले हैं जिज्ञासा दीदी और ज्ञान भैया। जिज्ञासा दीदी और ज्ञान भैया आपको इन वर्कशीट्स के जरिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो चलिए आज क्या सिखा रहे हैं ये भी जान लेते हैं। ज्ञान भैया जिज्ञासा दीदी से पूछते हैं, दीदी ये विलयन क्या होता है? और दीदी उसको बड़े अच्छे से समझा रही हैं, ज्ञान भैया ये विलयन क्या होता है, चलो मैं बताती हूँ। तो ज्ञान भैया, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है या सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक दूसरे के साथ में इस तरीके से घुल जाते हैं कि दोनों का पता ही ना चले, तो वो क्या होता है? विलयन कहलाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ आप जानते होंगे। सबसे पहला है चीनी का घोल। चीनी का घोल क्या होता है? चीनी को आप पानी में घोलते हैं तो चीनी उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से घुल जाती है, तो ये क्या कहलाता है? एक विलयन है। दूसरा है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है, क्या आप जानते हैं? जी, टिंचर आयोडीन वही है जब चोट लग जाने पर आपको वो जामनी रंग का पानी लगाया जाता है और इसको इस्तेमाल भी किया जाता है आपके घाव को ठीक करने के लिए, तो ये है टिंचर आयोडीन। उसके बाद आते हैं बात वातित पेय की। वातित पेय एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आप लेते हो ना, वही, जी हाँ, वो एक विलयन होता है। लेकिन वो किस किस का विलयन होता है? उसके अंदर मिला दिए जाते हैं कैफीन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एक तरीके का विलयन ही है। अब अगला एग्जांपल जो है पीतल। क्या आप हैरान हो रहे हैं कि पीतल एक विलयन है? जी हाँ, पीतल एक विलयन है। और जब हम विलयन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलयन के दो भाग होते हैं, यानी कि एक विलयन के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन सी हैं? जी हाँ, वो हैं विलेय और विलायक। विलेय और विलायक, विलेय और जो विलायक होते हैं, वो एक विलयन के दो मेन घटक होते हैं, दो ऐसे घटक होते हैं जिनसे विलयन बनता है। तो विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से ज़्यादा होती है, यानी कि जो विलयन के अंदर ज़्यादा होगा वो होगा विलायक और जो कम होगा वो होगा विलेय। देखो जैसे कि ORS घोल है ना, ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में क्या क्या घोला जाता है? चीनी और नमक। चीनी अगर एक चम्मच डाल रहे हैं तो नमक हम एक चुटकी डालते हैं, और इन तीनों चीज़ों के मिलाने से एक विलयन तैयार होता है जिसको हम कहते हैं ORS। अब पानी के अंदर बहुत कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाए गए हैं, तो कम कौन है? विलय। और ज़्यादा कौन है? होता है विलायक, यानी कि पानी विलायक है इसमें और चीनी और नमक इस केस में बेटा विलय हो जाएंगे, विलय कहलाएंगे। चूँकि हम पानी में, देखिए लिखा हुआ है, चूँकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं पानी विलायक है और चीनी और नमक दोनों क्या हैं? विलय हैं। आइए अब बात करते हैं विलयन के गुण के। तो विलयन के गुण क्या क्या हैं? तो सबसे पहले विलयन जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी और स्थायी मिश्रण होता है जिसकी बनावट एक समान रहती है, यानी कि उसकी बनावट का मतलब क्या है? अब सपोज़ कीजिए आपने ORS बनाया, ठीक है, जब आप ORS बना लेते हो और जब उसको टेस्ट करते हो तो उसमें आपको स्वाद आता है चीनी का भी और नमक का भी। क्या कभी ऐसा होता है कि आपने एक घूट पिया, उसमें आपको चीनी की मात्रा ज़्यादा लगी, अगले घूट में आपको नमक ज़्यादा लगा और चीनी बिल्कुल भी नहीं लगी? ऐसा तो कभी नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि पानी में चीनी और नमक बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल गए हैं और वो एक समान बनावट का मिश्रण बन गया है, ये सॉरी विलयन हो गया है। अब विलयन के जो कणों का आकार होता है कितना होता है? 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर बहुत ज़्यादा छोटा आकार है उनका, जिनको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, यानी कि अपनी नग्न आँखों से, नेकेड आई से हम उन कणों को नहीं देख सकते। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के जो कण होते हैं वो गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में से प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। तो अगर आप उसमें से प्रकाश के मार्ग को देखना चाहो तो कण जो हैं उसके विलयन के, वो इतने छोटे होते हैं कि वो प्रकाश की किरण को फैला भी नहीं पाते, ठीक है जी हाँ।
तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका गुण होता है विलय के जो कण होते हैं वो इतने छोटे आकार के होते हैं कि उन्हें छानन विधि से विलयन में से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। अब ये छानन विधि क्या है? छानन विधि एक हम जब अपने नॉर्मल लाइफ में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो वो है चाय। चाय को छलनी में से छाना जाता है तो चाय पत्ती जो होती है वो अलग से रह जाती है, या जो भी हमने अदरक वगैरह डाले होते हैं वो तो अलग से छन जाते हैं। लेकिन क्या चीनी जो अच्छे से घुल गई है चाय के अंदर, क्या उसको आप छान पाते हैं? जी, तो वही है छानन विधि। जब हम साइंस में हम बात कर रहे हैं तो छानन विधि का मतलब है एक फिल्टर पेपर को यूज़ करके विलायक में से विलय को अलग किया जाए, उसके लिए छानन विधि यूज़ की जाती है। लेकिन विलयन में से विलय के कणों को बिल्कुल भी नहीं छाना जा सकता। ठीक है, अगर आप रेत जो है या फिर मिट्टी के कुछ कण है या फिर आप यूज़ करते हैं छोटे छोटे कंकड़, तो आप उनको ज़रूर छान सकते हो, लेकिन वो अच्छे से उसमें घुलते नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पीतल की। जी हाँ, पीतल को आप सुनकर हैरान हो गए थे ना कि क्या ये विलयन है। जी हाँ, वो विलयन है। जानते हैं कैसे? विलयन जो होते हैं वो आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझे जाते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस घुले मिले हों। लेकिन देखिए, आप हमेशा ये सोचते हो कि विलयन जो है ना वो एक तरीके का तरल पदार्थ होगा, या तो वो पानी के अंदर गैस घुली होगी, या पानी के अंदर कोई ठोस घुला हुआ होगा, या फिर पानी के अंदर ही कोई चीज़ तरल रूप में ही घुली होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, विलयन के कई तरह के प्रकार हैं। सबसे पहला है ठोस विलयन, ठीक है, उसके बाद जलीय विलयन, ठोस विलयन, जलीय विलयन और गैसीय विलयन। अब ठोस विलयन तो आप समझ रहे होंगे कि ठोस में ठोस ही मिलाया जा रहा है, जैसे कि कोई मिश्र धातु। मिश्र धातु का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, स्टेनलेस स्टील, या हमने जो ऊपर पढ़ा था पीतल, जिसको हम ब्रैस भी कहते हैं, उसके अंदर दो धातुओं को मिलाया जाता है, जिंक और कॉपर। लेकिन जिंक और कॉपर की जो मात्रा होती है, जो उनका प्रपोर्शन होता है, वो इस तरीके से लिया जाता है कि वो अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ में मिल जाएं और एक मिश्र धातु बनाएं। जी हाँ, यही ठोस विलयन है। अब गैसीय विलयन क्या है? जैसे कि वायु, हवा में बहुत सारी चीज़ें घुली हुई होती हैं, लेकिन क्या आपको नज़र आती हैं कि हवा में यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है? जी नहीं। तो वायु जो होती है वो गैसीय विलयन होती है, और जलीय विलयन होते हैं जिसके अंदर, जी हाँ आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, वो भी उनको एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विलयन क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए। तो विलयन क्या होता है ये आप सभी जान ही गए होंगे, है ना। अगर आपको दोबारा से समझना है तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। विलयन की डेफिनेशन पूरे अच्छे से दी गई है। विलय और विलायक को परिभाषित करना है, ये परिभाषा भी दिए गए हैं ऊपर। तो विलय और विलायक की परिभाषा अच्छे से दीजिएगा। इसमें हम बताएंगे कि विलय जो होते हैं वो विलायक के अंदर घुले होते हैं। एक विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक कहलाता है, और जिसकी कम होती है वो विलय होता है। इसमें आप उदाहरण भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए, और ये उल्लेख कीजिए कि क्या वे ठोस, तरल या गैस हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हवा। हवा में कौन विलायक है और कौन विलय है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा हवा में किसकी होती है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन क्या होगा? विलायक होगा। और इस विलायक में क्या क्या चीज़ें घुली हुई हैं, यानी कि जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं वो, और बहुत सारी गैसेस और वाटर वेपर्स यानी कि भाप। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? विलय। अब आ जाते हैं दूध और पानी। तो दूध और पानी को अगर आप नॉर्मली देखें तो दूध में हम बहुत थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, है ना, जब हम दूध को गर्म करते हैं। तो दूध में अगर हम वैसे पानी मिला रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? कि दूध जो है वो विलायक है और पानी क्या है? विलय है। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो दूध होता ही क्या है? दूध एक तरल पदार्थ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें घुली हुई हैं, एक पानी की जैसे ही तो है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि चिकनाई, जैसे हम जिसको हम कहते हैं वसा, और बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, लैक्टोज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो दूध में होती हैं। और पानी अगर आप उसके अंदर मिला रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? कि पानी जो है वो विलायक है, और जो कि सारी चीज़ें इसके अंदर घुली हुई हैं वो सब क्या हैं? विलय। पेप्सी की हम ऊपर बात कर चुके हैं, ये भी एक वातित पेय है। तो इसके अंदर क्या है विलायक? पानी। ठीक है, इसमें पानी होगा विलायक, और इसके अंदर क्या क्या घुला जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या
सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और कैफीन होता है इसके अंदर, और कुछ फ्लेवर्स भी ऐड किए जाते हैं जिनका आप स्वाद लेते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्द्र हवा। आर्द्र हवा होता है नमी वाली हवा जिसके अंदर बहुत नमी होती है, और आजकल आप अच्छे से देख रहे होंगे कि आजकल जो हवा है वो कैसी है, वो आर्द्रता भरी हुई है, उसके अंदर बहुत सारी ह्यूमिडिटी है, हमें बार बार पसीने आ रहे हैं, है ना। फिर है समुद्री जल। समुद्री जल आपको पता है कि वो बहुत खारा होता है, लेकिन उसके अंदर जो विलय है वो बहुत कम है। तो विलय कौन है इसके अंदर? नमक, यानी कि नमक को पानी के अंदर मिलाया गया है, तो समझ गए ना आप। अब आ जाते हैं हवा में प्रदूषक। हवा में प्रदूषक का मतलब क्या है? हवा तो विलायक ही हो गई, और इसके अंदर प्रदूषक क्या होंगे? जैसे कभी कभी धूल मिट्टी के कण जो होते हैं वो मिल जाते हैं हवा में, तो वो प्रदूषक हो गए, यानी कि वो विलय हो गए। और वो इसमें बहुत सारी गैसेस मिली हो सकती हैं। जब प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है तो हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और इनकी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो विलय हो गए। एक विलयन के गुणधर्म लिखने हैं, तो इसको हम ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हो इसमें आपको सारे गुण लिखने होंगे विलयन के अच्छे से। फिफ्थ क्वेश्चन है जलीय विलयन, तो जलीय विलयन का उदाहरण भी देना है आपने, तो ये भी हम ऊपर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी ये वर्कशीट, तो कर लीजिए इसको अच्छे से आप। कोई भी डाउट्स हो आप क्लियर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।